नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दी एस्पिरेंट इन्फो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है आईएएस की, उसकी आयु सीमा कितनी होती है और आप कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखेगा, आपका जो भी डाउट है, जितने भी डाउट है, वो सभी डाउट इसी वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कब तक और कितनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर आप अधिकतम आयु सीमा को पार कर गए हैं तो फिर आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। आईएएस ऑफिसर की एज लिमिट, हर साल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम का आयोजन कराता है। इसी परीक्षा को क्रैक करके आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय है। अगर आप अधिकतम आयु सीमा को पार कर गए हैं तो फिर आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 32 साल है। जहां न्यूनतम आयु सीमा सभी वर्ग के लिए 21 वर्ष ही है, वहीं अधिकतम आयु सीमा समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग, जिनका विवरण नीचे आपको दिया गया है। अन्य पिछला वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा है 35 साल। सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा है 32 साल। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा है 37 साल। रक्षा सेवा के जवान जो किसी देश के साथ युद्ध के दौरान यदि किसी अशांत क्षेत्र में ऑपरेशन में दिव्यांग हुए हो और उसके बाद सेवानिवृत्ति हुए हो, उनकी आयु सीमा है 35 साल। भूतपूर्व सैनिक के लिए ऊपरी आयु सीमा, इसमें कमीशन ऑफिसर ECO शामिल है, जिन्होंने सैन्य सेवा में काम कम से कम 5 साल दिए हो, उनकी आयु सीमा है 32 साल। और दिव्यांग जो सामान्य श्रेणी से आते हैं, उनकी आयु सीमा है 42 साल। आयु की गणना कैसे होती है? न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त के मुताबिक निर्धारित होती है। जैसा अगर किसी का जन्म 6 अप्रैल 1986 को हुआ है, उसकी आयु 1 अगस्त 2019 को 33 साल 3 महीने और 25 दिन, यानी अगर वही व्यक्ति 2019 में पेपर देने चाहता है तो वह नहीं दे पाएगा। वह व्यक्ति 2018 में भी पेपर देने के योग्य नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र उस समय 32 साल 3 महीने 25 दिन हो गई थी, यानी 3 महीने ज्यादा। कितने प्रयास आप यूपीएससी एग्जाम के लिए दे सकते हैं? कौन कैंडिडेट कितनी बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकता है, यह भी उस वर्ग से निर्धारित होता है जिसमें उसका संबंध है। आमतौर पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 चांस मिलते हैं, यानी सामान्य वर्ग का कैंडिडेट 32 साल की उम्र तक 6 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट 35 साल की उम्र तक 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट को 37 साल तक जितनी बार चाहे पेपर दे सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा तय नहीं है। सामान्य वर्ग के दिव्यांग छात्र 42 साल की उम्र तक 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह यूपीएससी के डाउटफुल वीडियो को क्लियर करने के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।